टैंक वायरलेस 419 प्रिंटर के बारे में, जब इसमें E3 का एरर आता है तो आपको क्या, इसमें जब E3 का एरर आता है तो क्या होता है हमारे प्रिंटर में, हमें क्या करना चाहिए या ये कैसे रिपेयर होता है? हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। HP इंक टैंक वायरलेस 419 प्रिंटर है, इसमें E3 का एरर आ रखा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है जब E3 का एरर आता है? E3 का एरर मोस्टली होता है पेपर की वजह से होता है, जब आपका पेपर सेंस नहीं कर रहा होता है या आपका मैकेनिकल का डिकोडर सेंसर होता है उसकी वजह से भी आप में, आपके प्रिंटर में ये प्रॉब्लम आ जाती है। हम आपको बताते हैं कौन सा डिकोडर सेंसर होता है और किस वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। ये हमारा इसका डिकोडर सेंसर होता है और फ्रंट ओपन डोर वाला भी एरर इसी से आता है। और फिर ये सेंसर होता है इसका मैकेनिकल का, ये आपका सेंसर होता है, इसमें डिकोडर सेंसर हम इसको बोलते हैं। आप यहाँ पे ज़रा कैमरा करो, ये डिकोडर होता है इसका, यहाँ पे ये डिकोडर होता है एक, ये देखो जहाँ पे मेरी उंगली है आपको नज़र आएगा एक किस्म पत्ती सी डिकोडर सेंसर होता है। तो इसकी वजह से ही ये मोस्टली E3 के एरर, E4 के एरर इन प्रिंटर्स में आते हैं। जब हम इसको, सबसे पहला हमारा ऑप्शन होता है यदि हमें इसमें करना होता है तो इसको खोल के हमें थोड़ा ब्रश से साफ़ कर लो, उससे यदि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो फिर हो जाएगी, अन्यथा फिर ये सेंसर हमें चेंज ही करना पड़ेगा। के लगाते हैं एनकोडर सेंसर होता है, एनकोडर की वजह से भी आपको, यदि हमारे प्रिंटर में E3 का एरर आ रहा है तो उसमें एनकोडर की भी प्रॉब्लम होती है, हम इसको भी चेंज करके देख लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रिंटर में, ऐसे लेजर जो इंक टैंक 419 जो इंक टैंक प्रिंटर होता है 419, उसमें ये सब बहुत चीज़ें प्रॉब्लम होती है जिस वजह से हमारा E3 का एरर आता है। साफ करके हम इसको लगा रहे हैं, टेस्ट करते हैं अपना प्रिंटर। जैसे हमने सेंसर साफ करके लगाया है, देखते हैं हमारा प्रिंटर रेडी होता है या फिर दोबारा से एरर आता है। यदि रेडी हो गया तो हमारा सेंसर ठीक है, बस साफ सफाई की ज़रूरत थी। यदि हमारा प्रिंटर रेडी नहीं होता है तो फिर हमारा सेंसर ख़राब हो जाता है। डिकोडर सेंसर जो E3 का एरर है वो डिकोडर सेंसर की वजह से ही आता है। E3 का एरर इसका हटा दिया है। इस प्रकार से कंप्यूटर से HP से रिलेटेड कोई भी प्रिंटर, आपका HP इंक टैंक 410 419 319 310 5820 5810 कोई भी हो, तो सोच कंप्यूटर सभी प्रिंटर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।